तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। देना लेके आ चुके हैं आज हम एक बहुत देर बाद एक औसम वीडियो, जो कि होने वाली है एक वर्सेस बैटल के ऊपर, जो होने वाली है गोकू वर्सेस होमलैंडर सुपरमैन एंड ओमनी मैन। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो गोकू भिड़ेगा इन तीन अपोनेंट से। पहले हम देखेंगे कि अगर ये अकेले अकेले आए तो गोकू इन्हें कैसे हराएगा, और अगर देखेंगे कि अगर ये तीनों इकट्ठे आए तो ये कैसे हराएगा। सबसे पहले गोकू के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप में से गोकू के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, गोकू अपने ड्रैगन बॉल सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेंस हैं। मुझे लगता नहीं है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे गोकू के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो चलते दूसरे करेक्टर्स के ऊपर, बात करते हैं होमलैंडर की। तो होमलैंडर है अपनी द बॉयज सीरीज से, एंड भाई होमलैंडर के बारे में अगर मैंने कुछ भी इस वीडियो में बोला ना तो भाई साहब ये मेरी वीडियो ना एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो मैं कहूँगा होमलैंडर के पास वो सारी पावर्स है जो कि सुपरमैन एंड ओमनी मैन के पास है। होमलैंडर के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, एक्सरे विजन, एंड वो फ्लाई भी कर सकता है। अगर ओमनी मैन की बात करें तो ओमनी मैन के पास भी है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है, एंड हीट विजन है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। होमलैंडर से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल अपना ओमनी मैन। ओमनी मैन अपना दिखाया गया था द इनविंसिबल सीरीज ने, जो कि अमेजोन प्राइम ने बनाई है। एंड ओमनी मैन भी एक सुपरमैन की तरह ही एक एलियन रेस है जो कि धरती पर आया है। एंड लास्ट में सुपरमैन, जिसके बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुपरमैन कितना ही ज़्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास ही वो सारी पावर्स जैसे कि हीट विजन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, पर उसकी जो जितनी भी पावर्स हैं ना वो इन दोनों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो भाई तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब चलते हैं इनकी फाइट्स के ऊपर। सबसे पहले गोकू की फाइट कराते हैं ओमनी मैन से। तो अगर गोकू की फाइट होगी ओमनी मैन से तो भाई फाइट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, बिकॉज ओमनी मैन जो है वो किसी भी बंदे के ऊपर तरस नहीं करता है, वो भाई बहुत ब्रूटली मारता है बंदे को। अगर ओमनी मैन की फाइट होगी ना गोकू से, गोकू अपनी बेस फॉर्म में लड़ेगा ओमनी मैन से एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, बढ़िया लड़ेगा। पर भाई अपना गोकू अपनी बेस फॉर्म में ओमनी मैन को ऐसा पेलेगा ना कि ओमनी मैन गोकू की बेस फॉर्म में ही हार जाएगा। हाँ, गोकू को सुपर सैन वन एंड कायोकैन जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी एंड वो ओमनी मैन को हरा देगा। अब चलेंगे सेकेंड राउंड पे, जो कि गोकू लड़ेगा होमलैंडर से। तो होमलैंडर से अगर गोकू लड़ेगा तो भाई रिजल्ट सेम ही होगा, बिकॉज ओमनी मैन से वीक है अपना होमलैंडर। तो अगर गोकू अपने होमलैंडर से लड़ेगा और अगर गोकू को पता चल गया कि होमलैंडर के किससे क्या क्या, होमलैंडर कैसा आदमी है, होमलैंडर क्या क्या करता है, तो भाई गोकू होमलैंडर को कुत्ते की तरह मारेगा, मतलब उसकी गर्दन उखाड़ के उसका कचूमर बना देगा। और अब गोकू लड़ेगा अपने सुपरमैन से, तो ये फाइट होने वाली है काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो भाई सुपरमैन से गोकू की फाइट बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, दोनों की स्ट्रेंथ भाई अपने बेस फॉर्म में बराबर है। पर अब गाइज गोकू को अपने सुपर सैन वन या सुपर सैन टू में जाना होगा सुपरमैन को डिफीट करने के लिए। और अगर हम कॉमिक्स वाला सुपरमैन ले आएँ तो गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी जाना हो सकता है, बट गोकू अपने सुपरमैन को बीट कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर ये भाई ये बंदे तीनों इकट्ठे आए तो क्या ये गोकू को डिफ़ीट कर पाएंगे या गोकू इन्हें डिफ़ीट कर देगा। तो अगर होमलैंडर, ओमनी मैन एंड सुपरमैन में कभी सुलह हो जाती है एंड वो बोलते हैं भाई अब गोकू को डिफ़ीट करना है, गोकू को मारना है, और अभी तीनों इकट्ठे हो गए हैं एंड सुपरमैन को भी आप लगा लो कि उसका कोई ईवल वर्जन है, तो भाई ये तीनों इकट्ठे हो गए एंड गोकू से लड़ेंगे, तो भाई फाइट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी, गोकू बहुत पीटेगा। बट अगर गोकू आ गया अपनी सुपर सैन थ्री फॉर्म में, देन वो इन तीनों को ऐसे पेलेगा जैसे कोई बच्चा जो होता है ना, बच्चा वो मतलब बच्चों की तरह पेलेगा अपना गोकू जो है इन सबको। बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं कि जो सुपरमैन का कॉमिक्स वाला वर्जन है वो गोकू को डिफीट कर सकता है, तो हाँ ये हो सकता है। सुपरमैन की कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा वेरियंट्स हैं जो कि गोकू को डिफीट कर सकते हैं, जैसे कि सुपरमैन वन मिलियन, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ऐसे बहुत से सुपरमैन हैं जो कि गोकू को डिफीट कर सकते हैं। पर हम यहाँ ले रहे हैं ओरिजिनल सुपरमैन को। अगर आपको नहीं पता है, कॉमिक्स में सुपरमैन ने पूरी अर्थ के वेट को बेंच प्रेस कर रखा है एक दिन तक, मतलब उसने पूरे दिन को अर्थ के वेट को उठा के रखा था एंड उसका सिर्फ एक बूंद स्वेट गिरा था। सुपरमैन ने कॉमिक्स में डार्कसाइड को मार रखा है जो कि एक अटर्नल एंटिटी है। सुपरमैन ने पूरे के पूरे कॉस्मोस को खींच रखा है अपने हाथों की मदद से। तो भाई अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सुपरमैन बंदा बहुत पावरफुल है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोकू की, तो गोकू इन तीनों को बहुत ईजिली डिफीट कर देगा। तो इस मैच का विनर होगा हमारा प्यारा
गोकू। तो हाँ, गोकू इस मैच को विन कर जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो हाँ, अगली वीडियो में किस डार्क एनिमी को ऊपर लेके आऊँ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, अभी तक देखी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सुपरमैन। मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।